ये भाजपा की जो सरकार है ये सोचती है कि हर चीज में हम वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एग्जाम, वन नेशन वन ये करके फलना ढिमका जो करते जा रहे हैं। एनडीए पे कोई भरोसा अब नहीं रहा है। पाँच सालों से लगातार पेपर लीक की घटनाओं पे चुप्पी साधे बैठे हैं, जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं वो तत्काल इस्तीफा दें। सरकार एक ऐसा राज्य बनाना चाह रही है, ऐसा देश बनाना चाह रही है जहाँ अमीरों के लिए सब चंद सुविधाएं वो कंट्रोल करना चाहती है। देखिए सब घोटाला है, ये सब देखने के हमारे पास नजरिया होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ये जो नीट के विद्यार्थी हैं यहाँ पे ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से नीट के साथ जो सरकार है, जो धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने किस तरह से धांधली की आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जस्टिस नीट अप्लीकेशन है, ये पूरी तरह नीट हूँ और ये एनटीए है। जिस तरह से इन्होंने अपने मुँह पे काली वगैरह पोत रखी है आप देख सकते हैं, और एनटीए है उसके ऊपर ये जो क्रॉस लगे हैं कि उसको भंग किया जाए। तो सोचिए ये बच्चे हैं जो एनटीए को लेकर, जो नीट का एग्ज़ाम हुआ उसको कैंसिल को लेकर और दोबारा एग्ज़ाम को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये भाई साहब हैं आप देख सकते हैं, डफली बजा रहे हैं और उनको सुनाने की कोशिश। ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, साफ लिखा हुआ है। ये आयशा के स्टूडेंट हैं जो बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। क्या कहेंगे सर आप लोग जो ये आप साथ में ये लिए हुए पोस्टर हैं और उसमें लिखा हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। जैसा कि पता होगा कि ओवरऑल जो नीट का रिजल्ट आया था 4 जून को, और हम देखते हैं कि उसमें जिस प्रकार से पेपर घोटाला हुआ और पेपर लीक हुआ, फिर हम देखते हैं कि नेट का एग्ज़ाम होता है और नेट के एग्ज़ाम को भी जो है कैंसिल किया गया। अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो एग्ज़ाम कब होगा। फिर हम देखते हैं कि जो नीट पीजी का एग्ज़ाम होता है उसको भी पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो ओवरऑल पिछले जितना भी एग्ज़ाम करवाया गया है सबकी जिम्मेदारी एनटीए के पास थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एक डाटा और कहता है कि पिछले 7 साल में कम से कम 70 पेपर लीक हुआ है एनटीए के द्वारा। तो सवाल ये है कि एक ऐसी संस्था जो अपनी शुरुआत से ही फेल्योर है, जिसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात नहीं है, जो जिसके पास एग्ज़ाम कराने का कोई अनुभव नहीं है, और ये तमाम जो सेंट्रलाइजेशन करवाने की कोशिश थी पहले देश में। लग रहा है कि आप लोग आज 28 तारीख हो गए, 4 तारीख को रिजल्ट आया और उसी दिन ये बहुत बड़ा स्कैम होने का मामला सामने आ गया। धांधली हुई थी, 67 बच्चों को 720 नंबर दिए गए थे, कुछ ग्रेस मार्क्स का भी उसमें मामला आया। ऐसे में आज 28 तारीख हो गए, संसद भवन का सत्र चालू हो गया, सारे मिनिस्टर्स हैं जो शपथ ग्रहण ले लिए। ऐसे में आप लोग धर्मेंद्र प्रधान जी आप लोग की आवाज़ नहीं सुन रही, ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं, जब तक एनटीए जैसा जो एजेंसी है, जो प्राइवेट एजेंसी है, उसको बंद नहीं कर दिया जाता है। और जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है सारे एग्जाम्स का और एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, ये भाजपा की जो सरकार है ये सोचती है कि हर चीज़ में हम वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन एग्जाम, वन नेशन वन ये करके फलना ढिमका जो करते जा रहे हैं। जब तक ये बंद नहीं होगा ये लड़ाई तब तक चलेगी, और ये तमाम सेप्रोनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन जो हो रहा है एग्जामिनेशन पैटर्न का, देश की शिक्षा व्यवस्था का, उसके खिलाफ उसके अंत तक चलेगा। तो देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है उसको लेकर इन लोगों का मांग है। क्या कहेंगे, ये पेपर जो लीक हुआ है एनटीए जो ए डू नॉट द, और बस ये नो टू, क्या इसका मतलब है? देखिए मतलब ये है कि बार बार जो लीक हो रहा है या इसको करने का है, ये एनटीए इसको लेकर के मतलब एनटीए करा रही हो, बार बार असफल हो रहे हैं, असफल है तो इसलिए अब ये सब बार बार ना हो, इसलिए एनटीए को ही खत्म किया जाए, ना कि अब कोई जिम्मेदार ना रहे बास ना बाजे बांसुरी। वही बात है, आप प्रेसिडेंट को चेंज कर दीजिए या उसे कर दीजिए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनटीए बार बार लीक करेगा। इसलिए स्टूडेंट को एनटीए पे कोई भरोसा अब नहीं रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि एनटीए को ख़त्म कर दे और नेट जैसे जो नेट और नेट जिस तरीके से पहले एग्ज़ाम होते थे वो हो। तो देखिए बच्चे आप बैग भी लिए हुए हैं, सोचिए ये बच्चे रोड पे भी हैं और बैग भी लिए हुए हैं। मैं बैग दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये जो एक स्टूडेंट है ये बैग लिए हुए हैं, मैं चाहूँगा कि ये दिखाए। ये देखिए बैग है और ये रोड पे संघर्ष कर रही है बैग लेके, और हाथ में ये लिए हैं। देखिए एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान क्या कहें।
हमारी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो पिछले 5 सालों से लगातार पेपर लीक की घटनाओं पे चुप्पी साधे बैठे हैं, जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो तत्काल इस्तीफा दें। और जो एनटीए लगातार इस तरीके की धांधलियों में संलिप्त पाया जा रहा है, उसको बैन किया जाए। और जो भी अधिकारी इसमें शामिल पाए जाते हैं, उन सबको सजा दी जाए कड़ी से कड़ी। आप धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग कर रही हैं और वो संसद भवन में शपथ ग्रहण ले रहे हैं। देखिए, हम छात्रों ने मिलकर दिल्ली विश्वविद्यालय पे अभी 2 दिन पहले जन संसद की थी, जिस दिन लोकसभा सत्र का पहला दिन था। और हमारे उसे करने का मकसद यही था कि जिस तरीके से हमारी मांगों को देख सकते हैं किस तरह से जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं बार बार कि एनटीए के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये देख सकते हैं किस तरह से बच्चे जो रोड पर हैं, बैग भी लिए हुए हैं और हाथ में ये लड़ाई की किताब भी लिए हुए हैं कि जिस तरह से बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो उनसे क्या मांग है आप लोगों की? सर, हमारी मांग जो इतने दिन से हम आंदोलन कर रहे हैं वो बहुत ही स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनटीए के जितने स्कैम्स हुए हैं उसकी जांच हो, और धर्मेंद्र प्रधान क्योंकि अपना इस्तीफा नहीं दे रहे हैं इतने दिनों से मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, उनको कोई शर्म नहीं है, तो उनको उनके पद से फौरन हटाया जाए, वरना छात्र पूरा आंदोलन ये अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की आप बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि 1563 बच्चों के साथ ऐसा स्कैम हुआ है, उनके साथ धांधली हुई है, उनका री एग्जाम हो चुका है। सर, एंड हम जो मांग कर रहे हैं वो सिर्फ एक नीट एग्ज़ाम का, एक 1563 लोगों का री एग्ज़ाम हो जाए उसकी मांग नहीं कर रहे हैं। एनटीए जब से बना है तब से उसने जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं सब में अनियमितताएं रही हैं और सब में कहीं ना कहीं घोटाले रहे हैं। ये बात उजागर तब हुई जब नीट के छात्रों ने अपना आंदोलन करना शुरू किया। तो पीछे जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी कहीं ना कहीं घोटाले हुए हैं। बिल्कुल, आप अभी खाली नीट और नेट के ऊपर ये मीडिया में आ रहा है, लेकिन जो बाकी एग्जाम है खास करके जैसे CUET, जो देश भर के जो विश्वविद्यालय हैं उसमें अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई करने के लिए जो एग्जाम कराया गया उसमें अनियमितताओं से भरा था। आखिरी समय में छात्र अपना पेपर लिख रहे हैं उसमें वो एकदम से स्थगित करवा दिया। क्यों स्थगित करवा दिया गया नहीं मालूम। एक जो BEd के लिए जो एग्ज़ाम होता है नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट NCET, वो एग्ज़ाम भी छात्र 2 घंटा बैठे रहे और 2 घंटे बाद कहा गया कि आपका एग्ज़ाम स्थगित कर दिया जाता है, अगली डेट दे दी जाएगी। आखिर ये क्यों हो रहा है इसका कोई भी जवाब नहीं दिया था। जाहिर सी बात है वो पारदर्शिता कोई भी नहीं है और ये बिल्कुल इस तरीके से स्कैम दर स्कैम करते रहे हैं। कुछ उजागर हो जाते हैं और बहुत सारे नहीं हुए हैं, तो सबकी एक निगरानी है वो सुप्रीम कोर्ट में हमें विश्वास है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, क्योंकि CBI और ये सब किस तरह का जांच करेंगे हमें उस पर भरोसा नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज जांच होगी। भरोसा नहीं है। क्या लग रहा है मैम, जिस तरह से देश के एजुकेशन मिनिस्टर और देश के ही बच्चे और इनके साथ इतना बड़ा भेदभाव हो रहा है, क्या इस पर कहेंगे? देखिए, सीधा सीधा साफ साफ हमें नजर आ रहा है कि सरकार एक ऐसा राज्य बनाना चाह रही है, ऐसा देश बनाना चाह रही है जहाँ अमीरों के लिए ही सब चंद सुविधाएं वो कंट्रोल करना चाहती है। लेकिन भगत सिंह ने भी एक बात कही थी कि हमारे देश में जिस तरीके से शिक्षा को अगर सब जमीनी स्तर में जहाँ जहाँ इलाकों में, गाँव में या बस्तियों में नहीं पहुँचाई जाएगी तब तक हमारे देश का उद्धार नहीं हो पाएगा। अमीर कौन है? देखिए, जिनके पास बहुत आलीशान पैसा है, इतना बर्बाद पैसा है कि वो मेहनत से डरने के लिए आगे पैसा 40 लाख 30 लाख रुपए देके पेपर को लीक करा रहा है। और इसमें साफ साफ हमारे देश की सरकार इसकी जिम्मेदार है, सरकार उसके लिए कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही है। देश के प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला एक निचले तबके से आते हैं, आप कह रहे हैं कि अमीरों को बढ़ावा दे रहे हैं, बताइए जो चाय बेचने वाला होगा वो कैसे अमीरों की कहानी अभी तक स्पष्ट रूप से सच रूप से साबित नहीं हुई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलने में बहुत माहिर है,
ये अभी तक नहीं पता चल पाया कि इस कहानी में कितना परसेंट सच है, लेकिन आज इसी कहानी से उदाहरण ले हमारे देश का। ये कहानी नहीं है, हकीकत है कि वो चाय बेचते हैं। हकीकत बताती हूँ, जो हमारे इलाके में चाय वाला बैठता है उसका बेटा अभी तक कॉलेज नहीं पहुँच पाया। हमारे देश में जितनी भी यूनिवर्सिटी मजदूर ने बनाई है उसका बच्चा उस यूनिवर्सिटी में पढ़ नहीं पाया। जो सफाई कर्मचारी सफाई का साफ करने का काम करते, पूरी यूनिवर्सिटी को चमकाने का काम करते, उनके बच्चे उस यूनिवर्सिटी तक नहीं जा पाते। जो गार्ड उसकी रक्षा करते उनके बच्चे यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच रहे। तो ये कौन है? हमारे देश के वो लोग हैं जो गटर में मरने के लिए आजाद हो जाते हैं। हमारे देश के वो लोग हैं जो इतनी जहरीली गैस में गटर में मर जाते हैं, उनके बच्चों के लिए कोई पूछने वाला नहीं। मोदी जी को बचपन में भोजन नहीं मिलता था, वो 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं। देखिए सब घोटाला है ये, सब देखने के हमारे पास नजरिया होना चाहिए। लोगों के पास अलग अलग रंग का चश्मा पहनाया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है, जिस रंग से दुनिया कैसी दिखनी चाहिए सरकार चाहती है कि देखे ना कोई। हम वो छात्र हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, एनटीए के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, नेट और नीट परीक्षा में जो घोटाले हुए हैं, जो लीक हुई है, और जो ईमानदारी से पेपर में बैठ के पेपर दे के आए हैं, उनके साथ जो धोखा हुआ है, उन सभी बच्चों का इंसाफ और न्याय मांगने हम यहाँ पे आए हैं। और तब तक हम लड़ते रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान मामी डाला का इस्तीफा हमारे हाथ में नहीं आ जाता है, और नीट में जो एनटीए ने घोटाला किया एनटीए को रद्द नहीं होता, बर्खास्तगी नहीं होती, तब तक हम लड़ेंगे और तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। तो देखिए ये बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि मैं बैग लेके पढ़ाई भी करूंगा और रोड पर आकर अपने अधिकार के लिए संघर्ष भी करूंगा, और ये तब तक संघर्ष चलेगा जब तक कि हमको अधिकार न मिल जाए। तो इस पूरे बात पे आप देख सकते हैं आयशा के स्टूडेंट हैं और किस तरह से रोड पर ये बैठकर ये संघर्ष कर रहे हैं, और ये देख सकते हैं बड़े बड़े ये दफ्तर में लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र है, और दोनों ये लोकतंत्र है और ये लीक तंत्र है। देखिए माफ कीजिएगा, ये लिखा गया है लोकतंत्र जिसको क्रैश किया गया है, उसको काट दिया गया है, और ये लीक तंत्र दिया गया है, और बगल में आयशा का नाम लिखा गया है। तो ये बच्चे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। तो इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।